वर्ग 5 के बच्चों को आज मैं हिंदी व्याकरण में पढ़ाने जा रहा हूँ। काल इस चैप्टर को मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, आज मैं इसको रिवीजन में करवा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से समझेंगे कि काल क्या है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि काल क्या है। तो काल क्या है, तो काल के लिए क्या कहा जाता है कि क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। देखिए क्या है कि क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्रिया के रूप को पहचानना। तो क्रिया के रूप को पहचानना, तो जैसे हम काम कहते हैं तो उसको हम क्रिया कहते हैं, तो क्रिया का ही रूप है। अब इसके आधार पर काल को हम बांटते हैं, तो काल के भेद में आ जाता है 3 तरह के काल होते हैं। एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भविष्यत काल। अब देखिए सभी में काल लिखा हुआ है, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब इस सारे शब्दों को आप जान लीजिए। भूत का मतलब होता है बीता हुआ, वर्तमान का मतलब होता है अभी का, और भविष्यत का मतलब होता है जो होने वाला हो या आने वाला समय। अब क्रिया, तो क्रिया के यही 3 रूप आपको दिखाई देते हैं। अगर इस समय में दिखाई दे तो बीता हुआ समय का अगर क्रिया दिखाई देता है तो उसको भूतकाल कहते हैं। अब जैसे खाता है तो ये तो अभी का समय बता रहा है, दैट मीन्स कि ये वर्तमान काल है। खा चुका है, खाता था, ये जो आप देख रहे हैं खा चुका है, खाता था, ये सारा बीते हुए समय की बात है, इसलिए इसको हम भूतकाल कहते हैं। और इसमें आ जाइए तो इसमें आप भविष्यत काल में तो देखते हैं कि भविष्य में होने वाला काम है तो खाएगा। अब देखिए तो यहाँ क्रिया का रूप क्या है, खाना। क्रिया का मूल रूप क्या है, खा। क्रिया का रूप क्या है, ये खा धातु से बना हुआ है, धातु के मूल रूप को क्रिया कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ क्रिया है खाता, इसमें ता तो ये वर्तमान काल के लिए लगाया गया है, चुका है ये भूतकाल के लिए लगाया हुआ है, अब गा तो ये भविष्यत काल के लिए लगाया गया है। मूल बात क्या है, खा, यही है क्रिया। तो क्रिया का ही रूप बदलता है, जैसा कि यहाँ दिया गया है कि क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध कराता है। तो क्रिया के रूप को आप देखिए और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा, अंदाज़ा क्या लगाइएगा, अब तो बताया ही जा रहा है, इसी को याद कर लीजिए कि वर्तमान काल ये है और भूतकाल ये है और भविष्यत काल ये है। इस तरह से आप इसको पढ़िए।